बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीम इलियास। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है ये उन लोगों के लिए है जिनसे मुश्तजनी की गलती हो जाती है, उनके जिस्म में कमजोरियाँ आती है, उसके बाद उसका इलाज कैसे किया जाता है। तो आज इसी टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वो लोग सोचेंगे कि हकीम साहब ने फिर मुश्तजनी का कोर्स सामने रख के उसके ऊपर वीडियो बना रहे। तो देखिए जी, इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि नए नए लोग यूट्यूब चैनल पर आते हैं, फिर व्हाट्सएप पर रब्ता करते हैं, वो पुराने वीडियोज तो उन लोगों ने देखी नहीं है, तो उसकी वजह से मैं रिमाइंडर के तौर पर ये अद्वियात मैंने सामने रख के उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जिन लोगों ने मुश्तजनी के ऊपर मेरी वीडियो नहीं देखी। जैसे ही ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी, इस वीडियो की एंड स्क्रीन पे इंशाल्लाह आप लोगों को मुश्तजनी से होने वाली कमजोरियों के ऊपर तफसीली वीडियो मिल जाएगी। उसमें बाकायदा दो मरीजों की फीडबैक भी मौजूद है जिन्होंने बाकायदा मुझे परमिशन दिया था, उनको फ़ायदा हुआ था, उन्होंने कहा कि हकीम साहब आप हमारी वीडियो अपने चैनल पर लगाए। मैंने उसकी इजाज़त के बाद उसकी वीडियो यूट्यूब चैनल पर लगाई है, तो इंशाल्लाह वो वीडियो आप लोग देखेंगे और आप लोगों को उससे पता भी चल जाएगा कि मुश्तजनी से क्या क्या कमजोरियां होती है और उसका प्रॉपर इलाज कैसे किया जाता है। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो उसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आप लोगों को हेल्थ के हवाले से मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज मिलती है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।